नमस्कार। फिल्म रियल गॉड में आपने देखा कि किस तरह उस गरीब बच्चे का अपनी माँ के प्रति प्रेम देखकर आयुष का व्यवहार भी बदल जाता है। इसी प्रकार हमारे इतिहास में भी एक से बढ़कर एक मातृपितृ भक्त हुए हैं, जैसे श्रवण कुमार, भगवान श्री राम, घटोत्कच। और आज इन्हीं में से एक श्रवण कुमार के जीवन से हम आपको अवगत कराएंगे। ये दुनिया कब से चल रही है ये बात दावे के साथ तो कोई नहीं बता सकता। और कौन इस धरती पर सबसे पहले आया, मेरे हिसाब से ये कहना भी मुश्किल है, क्योंकि सबकी अलग अलग कहानियां हैं और हर फैक्ट को लेकर सभी के अलग अलग ओपिनियन हैं। वैसे हमारी हिंदू मान्यता के अनुसार सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चार युग माने जाते हैं। और अभी जो युग चल रहा है वो कलयुग है। सतयुग को सत्य का युग कहा जाता है। कहते हैं कि इस समय कोई झूठ बोलना भी नहीं जानता था। इसके बाद त्रेता युग आया। युग कोई भी हो, लेकिन हर कोई इस दुनिया में सिर्फ अपने माता पिता की वजह से ही था और रहेगा। इसीलिए माता पिता को ईश्वर के समान माना गया है। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रही हूं, ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन जब आप इसे सुनेंगे तो आपको लगेगा जैसे ये कहानी आपकी आंखों के सामने चल रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ये कहानी एक बार सुन ले वो जिंदगी भर इस कहानी को नहीं भूल सकता। तो बात त्रेता युग की है, जहां एक गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है और उस बच्चे का नाम श्रवण कुमार रखा जाता है। क्योंकि कहानी बहुत पुरानी है, इसलिए श्रवण के माता पिता के बारे में दो बातें सामने आती हैं। एक कि श्रवण के माता पिता की वृद्धावस्था के कारण आंखें चली गई थी और उन्हें दिखाई नहीं देता था। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का मानना है कि उनके माता पिता शुरू से ही अंधे थे। खैर, बात जो भी हो, आप ये समझ लीजिए कि श्रवण जब बड़ा हुआ तो वह अपना जीवन बूढ़े और अंधे माता पिता के साथ बिता रहा था। पर उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि श्रवण ने अपना पूरा जीवन खुशी खुशी अपने माता पिता की सेवा में लगा दिया था, क्योंकि उनके अंधे माता पिता ने उन्हें बड़ा करने में कितनी तकलीफें उठाई होगी, इस बात का उन्हें अंदाजा था। श्रवण अपने माता पिता से इतना प्यार करता था कि अब माता पिता ही उनका पूरा जीवन थे। उस समय जीवन में इतनी सुविधाएं तो होती नहीं थी, इसीलिए श्रवण ही घर का पूरा काम करते थे। नदी से पानी भरकर लाते, जंगल में लकड़ियां काटने जाते, उन्हें बीन कर लाते, खाना बनाते और घर के सारे कामकाज करते। और माता पिता की सेवा करना ही श्रवण अपना धर्म मानते। समय के साथ श्रवण कुमार के माता पिता और बूढ़े हो गए थे। उनका बहुत मन था कि वो मरने से पहले तीर्थ यात्रा पर जाए, लेकिन अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी के कारण वो अपनी बात को मन में ही दबा लेते थे। एक दिन जब श्रवण कुमार को अपने माता पिता की इस इच्छा के बारे में पता चला, तो उन्होंने मन बना लिया कि कुछ भी हो, कितनी भी तकलीफें आए, वो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा जरूर कराएंगे। अब आप सोचेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उस समय कोई गाड़ियां नहीं होती थी। एक जगह से दूसरी जगह आदमी को चलकर जाना होता था। श्रवण कुमार माता पिता की इस इच्छा को पूरा करने की तैयारियों में लग जाते हैं। क्योंकि उनके माता पिता बूढ़े थे और चल नहीं सकते थे, इसलिए श्रवण ने दो बड़ी टोकरियों को एक मजबूत लकड़ी के दोनों छोर पर बांधकर एक कांवड़ तैयार किया और सब तैयारी कर एक टोकरी में अपने पिता को बैठाया और एक में मां को, और उस कांवड़ को अपने कंधे पर उठाकर वो चल दिए। सुनने में शायद आपको बहुत आसान लगे,
लेकिन अपने आप को श्रवण की जगह रखकर सोचिए, आपके एक कंधे पर आपके पिता का वजन और दूसरे कंधे पर आपकी माँ का वजन, और ऐसे में सैकड़ों किलोमीटर चलना कितना मुश्किल होगा ना। श्रवण अपने माता पिता को काशी, गया, प्रयागराज जैसे कई तीर्थों पर लेकर गए। तीर्थ स्थानों के बारे में हर बात श्रवण अपने माता पिता को बताते जाते थे, और इस तरह उनके अंधे माता पिता अपने बेटे की आंखों से तीर्थों के दर्शन करके बहुत खुश थे। एक शाम श्रवण कुमार कावड़ लेकर एक जंगल से निकल रहे थे। उनके माता पिता को बहुत देर से प्यास लग रही थी। उन्होंने श्रवण कुमार से पानी लाने को कहा। श्रवण कुमार एक पेड़ के नीचे कावड़ को रखकर पानी लाने के लिए निकल गए। पास ही उन्हें एक नदी दिखाई पड़ी और वे नदी के किनारे पहुंच गए। ये नदी और जगह राजा दशरथ के राज्य का हिस्सा थी, और उस दिन राजा दशरथ जंगल में शिकार कर रहे थे। दिन भर से जंगल में भटकने के बाद भी जब उन्हें कोई जानवर शिकार के लिए नहीं मिला तो वो अपने महल वापस लौट रहे थे। तभी उन्हें नदी की तरफ से कुछ आवाज आती सुनाई पड़ी। शांत जंगल में हल्की सी भी आवाज दूर दूर तक सुनाई पड़ती। राजा दशरथ को लगा कि कोई जानवर नदी किनारे पानी पीने आया है। राजा दशरथ शब्द भेदी बाण चलाने में एक्सपर्ट थे, मतलब आवाज पर सही निशाना लगा देते थे। राजा दशरथ ने जिस दिशा से आवाज आ रही थी उस दिशा में एक तीर छोड़ दिया, लेकिन किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज सुन राजा दशरथ घबरा गए और भागते हुए नदी के किनारे आए। वहां कोई जानवर नहीं बल्कि श्रवण कुमार जमीन पर पड़े थे, और तीर उनके सीने के आर पार था। श्रवण दर्द और उससे भी ज्यादा अपने माता पिता की चिंता में तड़प रहे थे। यह देखकर राजा दशरथ को अपनी गलती पर बहुत दुख हुआ। घायल होते हुए भी श्रवण ने राजा दशरथ से बस यही कहा कि उसके माता पिता प्यासे हैं और जंगल में उसका इंतजार कर रहे हैं, कृपा कर आप उन्हें पानी पिलाकर मेरी तरफ से माफी मांग लो कि मैं अपने माता पिता की तीर्थ करने की इच्छा पूरी ना कर सका। इतना कहकर श्रवण के प्राण निकल जाते हैं। अनजाने में हुई गलती से दुखी राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचते हैं। इधर श्रवण के माता पिता कदमों की आवाज से ही समझ जाते हैं कि वह उनका बेटा नहीं कोई और है। पूछने पर राजा दशरथ उन्हें पूरी बात बताते हैं। बेटे की जाने की खबर सुनकर माता पिता रोने लगते हैं। महाराज दशरथ अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन मन दुखी होने के कारण ना चाहते हुए भी श्रवण के माता पिता राजा दशरथ को शाप दे बैठते हैं कि जिस तरह वो अपने बेटे के लिए तड़प रहे हैं, तुम्हें भी अपने बेटे के लिए तड़पना पड़ेगा। और श्रवण के माता पिता राजा दशरथ के सामने अपने बेटे के दुख में दुखी हो रो रो कर चल बसते हैं। राजा दशरथ को बहुत दुख होता है कि एक आदर्श बेटा जो अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने निकला था, अनजाने में उनके हाथ से मारा गया था। अपनी इसी मातृ पितृ भक्ति के कारण श्रवण कुमार आज अमर हो गए। सोचिए, उस समय कोई मोबाइल फोन या इंटरनेट तो होता नहीं था। लोगों तक ये कहानी एक दूसरे से ही पहुंची होगी। हर किसी ने इस महान बेटे की कहानी को दूसरे को सुनाया होगा। तभी तो श्रवण कुमार का वर्णन वाल्मीकि रामायण के 64वें अध्याय में भी मिलता है। श्रवण कुमार जैसा बेटा या बेटी पाना हर एक माता पिता का सपना होता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम सब भी अपने माता पिता के लिए श्रवण कुमार बन सके, क्योंकि माता पिता का ऋण बहुत बड़ा होता है जो हम कभी चुका ही नहीं सकते।
बस कोशिश कर सकते हैं उनको खुश रखने की। और ट्रस्ट करिए, ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि माता पिता छोटी छोटी चीजों से ही खुश हो जाते हैं। आखिर में मैं यही कहूंगी कि अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, उन्हें हमेशा खुश रखिए। धन्यवाद।